टुडे आवर टॉपिक इज सॉलिड। सॉलिड आपके पास ऐसी ऐसी टाइप ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आपके पास पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर ये करीब हैं तो इसका मतलब इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो काफ़ी हद तक मैक्सिमम जो है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो इसी वजह से इनके जो शेप होती है वो रिजिड होती है, फिक्स्ड होती है, और आपके पास इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टाइप्स देखते हैं। द टाइप्स ऑफ सॉलिड विच इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, के सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताती है कि वो दो तरह के हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास वो होता है जिसमें आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जो भी पार्टिकल्स हैं वो खास किस्म के पैटर्न पे अरेंज हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ले लें तो काफ़ी क्यूबिकल और बड़ा पैटर्न में अरेंज हुआ हुआ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। जबकि इसके कंपैरिजन में अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं, अमॉर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। पैटर्न अगर बनना भी शुरू होता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बाद या तीन के बाद अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है। खास किस्म का पैटर्न नहीं होता, एक डिसऑर्डर्ड चीज़ होती है आपके पास, उसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। उसकी एग्जांपल आपके पास ग्लास और प्लास्टिक से। जबकि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी आपके पास सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो ये आपके पास सॉलिड की क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं। दिस टाइप्स बेसिकली डिपेंड अपॉन के पार्टिकल्स अरेंजमेंट कैसे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट है। अगर इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना हो दोनों टाइप्स को, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, अमॉर्फस वो जिसमें अरेंजमेंट इरेगुलर होती है। क्लियर। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि पार्टिकल्स काफ़ी टाइम तक एक पैटर्न पे हमें मिलेंगे। जबकि अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिसमें आपके पास शॉर्ट रेंज होता है कि दो मॉलिक्यूल्स अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर पैटर्न ख़त्म हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट अमॉर्फस का होता है, डेट मीन्स एग्जैक्ट नहीं पता, हमें रेंज पता होती है। उसके बाद इसकी टाइप एग्जाम आती है एक और, एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी सॉलिड्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्टडी की जाती हैं। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अगर स्ट्रक्चर को हम पैरेलल स्टडी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से अलॉन्ग पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरह बिहेव करेंगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कुछ और तरह बिहेव करेंगे। इसी एग्जाम्पल में आपके पास सोडियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, डायमंड है, ग्रेफाइट से ईटीसी। एज़ कम्पेयर टू डेट हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हैं, उसमें आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता। वो प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब सेम, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, चाक एंड कॉटन कैंडी, ये इसकी टाइप में। पेपर में कहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए तो हम इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपके पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये जनरली आपको थोड़ा जेन में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉलिड्स के अंदर बॉन्डिंग के लिहाज से अगर डिफरेंशिएट करना है तो वह है आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स। आपके पास इसमें आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, K10 और A9 से। मेटालिक सॉलिड में क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे K10 और इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पूरे का पूरा मॉलिक्यूल मौजूद होता है आपके पास। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आपके पास एटम्स होते हैं, इनके दरमियान आयनिक सॉलिड्स में आयनिक फोर्सेज होती हैं, मेटालिक में मेटालिक, मॉलिक्यूलर में लंदन डायपोल फोर्सेज या हाइड्रोजन आपको मिल जाते हैं कहीं कहीं, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर। आपको हर एक एग्जाम्पल देखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। आयनिक सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं और आयनिक सॉलिड ही बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं ज़्यादा। हार्ड, ब्रिटल, मीडियम टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड हैं और लिक्विड स्टेट में जाके ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। मेटेलिक आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉलिड एंड लिक्विड कंडक्ट्स, डक्टाइल, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है जब इनकी लेयर बाय लेयर हम कट करें तो ये चमकते हैं। इसी तरह आपके पास मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर वे फोर्सेज वीक हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, और ये सॉफ्ट होते हैं। कोवलेंट सॉलिड इसकी निस्बत एज़ कम्पेयर टू लंदन फोर्सेज, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी हार्ड है। एज़ कम्पेयर टू मॉलिकुलर सॉलिड इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और होंगे ये नॉन कंडक्टिंग ही क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल में कार्बन है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल्स आपके बेसिकली हैं कि आपके पास जो सॉलिड है एस के, आपके पास उसके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कह सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो बुक में टाइप्स दी गई हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने इनकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है, जो ब्लैक पोर्शन में आपको इटैलिक्स में लिखी हुई नजर आ रही है आपने उसे देख लेना है कि अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद एक स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब होता है जब हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, हमने कैटेगरी सारी जो पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पढ़ना है, क्योंकि हम कहते हैं उसमें पार्टिकल्स का पैटर्न होता है, अरेंजमेंट होती है। स्पेस लैटिस का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बात कर रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट की, वो अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक, वो अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है आपके पास, एक क्यूबिकल शेप स्ट्रक्चर मैं कहती हूँ होता है। तो ये एक शेप आपके पास आ रही है ना, तो ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी हम स्टडी करेंगे, 3D में अब पढ़ते हैं तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों एक्सिस आते हैं। और वो कैसे आते हैं मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास जो आपको मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये आपके पास जो मूव करती हुई लाइन आ रही है दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ है दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो आपके पास आ रही है इसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस हमारे पास आ गए। तो ये जो इनकी 3D में अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, इसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस का मतलब ये नहीं कि हम स्पेस में जाके कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी आपके पास कंपाउंड है, जो आपको कंपाउंड या सॉलिड चीज़ दी गई है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, चाहे वो एटम्स हैं उसमें आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आप को जब 3D में अरेंज करते हैं अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस, ठीक। तो स्पेस लैटिस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके पास है स्पेस लैटिस में देखें आपके पास बुक में पिक्चर बनी हुई है। अगर डेफिनेशन देखो क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है जो उस वक्त उस कंपाउंड में एटम्स आइंस मॉलिक्यूल जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसे हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, उसे हम 3D में अगर पढ़ें उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। एक हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर लिया गया है, उसमें एक क्यूब पार्ट को निकाल दिया गया। आप फिगर 3.2 देखो, ये जो चीज़ आपके सामने बनी हुई आ रही है, ठीक, ये बेसिकली इस बड़े सारे स्पेस लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है। अब एक कंपाउंड में सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स तो नहीं होगा, जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं या आप नॉर्मली अगर देखो तो आपके पास सोडियम क्लोराइड का मतलब एक NaCl तो नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे NaCl पड़े होंगे। तो वो NaCl अपने आप को उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज करते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट आती है वो कुछ इस तरह से आती है, इट इज़ अ क्यूबिक पैटर्न। तो इस क्यूबिक में से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल के स्टडी करूं तो उसको मैं कहती हूं यूनिट सेल। अगर इसको मैं पूरा इकट्ठा पढ़ना चाहती हूं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मुझे पता है जो प्रॉपर्टीज छोटे से पार्ट की होंगी वही सारी प्रॉपर्टीज बड़े वाले पार्ट की भी होंगी। ये सेम वैसे ही है जैसे हम पॉलीमर्स पढ़ते हैं, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, हमारा मतलब यूनिट। तो इसका मतलब अगर एक छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में मिलाएं तो बड़ा यूनिट बनता है, ठीक। और अगर बड़े यूनिट की प्रॉपर्टीज पढ़नी हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वो बनता किससे। सेम यही कि स्पेस लैटिस में क्या है, आपके पास काफ़ी सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ते हैं, तो ये स्पेस लैटिस आपके पास 3D बॉक्स में 3D अरेंजमेंट में चीज़ें आती हैं। उसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल लें एक्स वाई जेड एक्सिस में पढ़ें तो उसको हम कह देते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, जो चीज़ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगी उसको हम शो करते हैं ए से, जो चीज़ अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगी उसे शो करते हैं बी से, जो चीज़ अलॉन्ग द जेड एक्सिस होगी उसे शो करते हैं सी से, ठीक। और ए और सी के दरमियान जो चीज़ मिसिंग है वो बी मिसिंग है, तो बी के लिए हम यूज़ कर देते हैं बीटा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम कह देते हैं बीटा। सी और बी, ये जो आपके पास सी और बी, अब आप लेटर देखो इसको याद रखने के लिए, आपके पास साइड क्या है बी और सी, बी और सी में क्या चीज़ मिस हो रही है अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल अल्फा। बी और ए में क्या चीज़ मिस है आपके पास सी लेटर, तो सी के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं गैमा। तो ये बेसिकली एक्सियल आपके पास एक्सिस हैं और एक्सियल आपके पास पैरामीटर्स आते हैं। तो इसको और आसान तरीके से आप देख याद करने के लिए कर सकते हो कि आपके पास तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, ठीक, अल्फा बीटा गैमा, ठीक। अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि आपके पास पोजीशन इस तरह की है कि आपके पास कौन सी साइड जा रही है एक्स और जेड में, आप देख रहे हो ए और सी में, ए और सी में, ठीक, क्या मिसिंग है इसमें, बी वाली साइड मिसिंग है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा बीटा, ठीक। तो ए और सी में कौन सा एंगल आ गया बीटा, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास जो साइड्स दी गई हैं वो कौन सी हैं सी और बी, तो फौरन से करो सी और बी तो ख़त्म हो गया,
सी और बी के नीचे वाले दोनों एंगल भी खत्म हो गए, बचा क्या पीछे आपके पास अल्फा, तो सी और बी के दरमियान क्या आ गया अल्फा। अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि आपके पास जो चीज़ है वो कौन सा एंगल के दरमियान है, ए और बी, ए और बी, तो पीछे क्या रह गया, सी के नीचे क्या लिखा हुआ, गैमा, तो एंगल कौन सा आपके पास आ गया, गैमा। तो ये थ्री आपके पास एक्सियल साइड्स हैं, ये एक्सियल एंगल्स हैं, इन सबको अगर हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो इन्हें कहते हैं एक्सियल पैरामीटर्स। और ये एक्सियल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी चीज़ की डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को, स्पेशली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, यूनिट सेल के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा डीपली पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस एंगल को किससे शो कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा गो थ्रू करनी पड़ेंगी और इसको याद करना है। क्लियर?